हर लड़की नहीं मुझे चाहिए एक मेरी जान तेरे आगे मुझे लगे बिना देखूं मेरी नजरों से खुद को तो इंस्टाग्राम रील्स पे भी ये वाला सॉन्ग तो आपने देखा होगा। ये वाला सॉन्ग काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ इसी तरह का मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ और कुछ इस तरह का आपको स्काई भी देखने को मिलेगा और साथ में कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सब कुछ आसान तरीके से एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और आपको एक वीपीएन से भी कनेक्ट कर लेना है जो यहाँ पर मैं पहले से कनेक्ट करके रखा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अभी न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है और जो भी वीडियो का बनाना चाहते हैं एडिट करना चाहते हैं तो वाला वीडियो यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ये वाला वीडियो ऐड कर लिया, देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको डेमो के लिए। और पीछे का आपको ब्लैक वीडियो डिलीट कर लेना जो भी वाटरमार्क वाला है। और इसका आपको म्यूजिक ऑफ कर लेना है, अगर आपका भी ऑडियो है कुछ भी यहाँ पर आपको ऑफ कर लेना है। तो कुछ इस तरह का आपको वीडियो ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओबाले पे जाके यहाँ पर आपको स्काई ऐड कर लेना है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला देख लें स्काई आपको देखने को मिलेगा जो डार्क वाला है जो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर लेता हूँ वीडियो के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। और इसे कुछ इस तरह यहाँ पर मैं जूम करके ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ और पीछे आपको स्क्रॉल कर लेने और मार्क्स पे चले जाने। मार्क्स पे जाने वाले आपको पहला वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरह यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने वाले यहाँ पर मैं टिक कर लिया और पीछे का ऊपर वाला जो वीडियो है ये वाला वीडियो इसे आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कॉपी पर चला गया और इससे आपको नीचे लेना है, यहाँ पर क्लिक करके कुछ इस तरह यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं इसे आपको पहले का वीडियो के हिसाब से आपको यहाँ पर सेम टू सेम सेट कर लेना है। सेट हो चुका है, देख सकते हैं। उसको आपको नीचे वाला वीडियो पर क्लिक करके रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेना है। अगर आपको काउंट आएगा कुछ इस तरह का, अगर आपको काउंट आएगा तो उसे आपको पूरा कर लेना है, पूरा 100 होने देना है। तो यहाँ पर ये वाला वीडियो रेडी हो चुका है कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। और इसका आपको कवर में भी ये वाला लगा लेना है। तो चलिए इसे पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आप फिकवल एप्लीकेशन में चले जाने, देख सकते हैं यहाँ पर मैं फिकवल एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने आपको यहाँ पर अभी कट कर लेना है। कट करने बाद आपको यहाँ पर प्लस पे चले जाने और आपको ये वाला वीडियो ऐड कर लेना है जो भी आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट किए थे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको रोशनी वाला रे देखने के लिए रे देने के लिए यहाँ पर आपको फिकवल एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लिया और यहाँ पर आपको पूरा इसे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन पे लाना है और यहाँ पर आपको बस एक इफेक्ट अप्लाई कर लेना है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह देख रहे लोडिंग हो रहा जो काफ़ी टाइम लगेगा, तो आपको हल्का सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर सारा इफेक्ट लोडिंग हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसे स्क्रॉल कर लेता हूँ और इसी यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन पर आ जाने और इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको जितना देना है आप चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 80 पे रख लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर एडजस्ट पे चले जाना है और इसे आपको डार्क रखना है क्योंकि ये इस तरह का आपको यहाँ पर वेटनेस रखना है। तो आपको देख लेना है यहाँ पर मैं इसे डार्क करने वाला हूँ और इस कॉन्ट्रेस्ट को भी यहाँ पर मैं हल्का सा माइनस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्लस कर लिया, काफ़ी यहाँ पर डार्क कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हाईलाइट भी आपको देखने को मिलेगा जो इसे भी मैं प्लस कर लिया और यहाँ पर शेडो और यहाँ पर आपको ये सब आपको रहने देना है, इसे आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग हो चुका है और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देना है। आप चाहें तो पूरा एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं कौन वाला सेटिंग क्या होता है, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट में इसे कर लेता हूँ। तो फिकवल एप्लीकेशन में एडिट करने वाला आपको यहाँ पर फिर से आपको कैपकट एप्लीकेशन में आ जाना है और न्यू प्रोजेक्ट में जाके आपको यहाँ पर पहले आपको लिरिक्स वाला वीडियो ऐड कर लेना है जो यहाँ पर मैं पहले से ऐड किया हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरह का। तो आपको भी ऐड कर लेना है और यहाँ से आपको एक्सट्रेड भी कर लेना है सॉन्ग को। तो यहाँ पर आपको एक्सट्रेड ऑडियो देख लिया, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है जो यहाँ पर मैं पहले से किया हूँ और यहाँ पर जो भी यहाँ पर कुछ इस तरह का बीट आ रहा तो यहाँ पर मैं बीट के हिसाब से मार्क भी कर लिया हूँ। और यहाँ पर आपको इसे कट कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर इसे स्प्लिट कर लेना है और ये वाला वीडियो डिलीट कर लेना है
और अभी जो यहाँ पर स्काई वाला वीडियो एडिट किए थे तो यहाँ पर मैं ये वाला वीडियो ऐड कर लिया। और अगर आप स्लोमो चाहते हैं तो यहाँ से आप स्लोमो भी दे सकते हैं, जो मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह आपको वीडियो कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इसका आपको म्यूजिक ऑफ कर लेना है, और इसका भी म्यूजिक अगर रहेगा तो इसे भी आपको ऑफ कर लेना है। तो कुछ इस तरह देख सकते हैं, दोनों को म्यूट कर लिया और पीछे आपको नीचे आपको ऑडियो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आप ये वाला वीडियो पे आ जाना है, और यहाँ पर देख सकते हैं मैं बीट का आपको नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको बीट के हिसाब से स्प्लिट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको बीट है, तो कुछ इस तरह यहाँ पर मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। तो स्प्लिट करने के बाद आपको इसे कुछ इस तरह फिंगर की मदद से जूम कर लेना है, और पहला वाला आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला कट पे आ जाना है और एनिमेटेड पे चले जाना है, और इन एनिमेशन में जाके आपको यहाँ पर आपको कोई भी एक ट्रांजेक्शन दे देना है। तो यहाँ पर मैं ये वाला ट्रांजेक्शन यूज करने वाला हूँ जो काफ़ी अमेजिंग लगता है, कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा जो देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर अभी ये वाला एनिमेशन में आपको कुछ इस तरह कॉम्बो में चले जाना है। कॉम्बो में जाने का तो आपको यहाँ पर अभी जूम वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको ये वाला एनिमेशन अप्लाई कर लेना है जूम वाला, पीछे आपको जितना भी देखने को मिलेगा सारा आपको कट में आपको जूम वाला लगा लेना है, जो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं पहले अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद आपको ये वाला कंप्लीट हो चुका है एनिमेशन, उसके बाद आपको यहाँ पर एक इफेक्ट आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट पे आ गया और इफेक्ट में चला जाना है। इफेक्ट में जाना है तो आपको वीडियो इफेक्ट में चला जाना है, और यहाँ पर पार्टी में चला जाना है, और नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है पूरा नीचे, और ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है सबसे नीचे रहेगा, और इसे कुछ इस तरह यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको यहाँ पर अभी क्लिक कर लेना है, और इसका आपको वेटनेस पूरा जीरो कर लेना है, और इसे आपको यहाँ पर बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और कॉपी पे चले जाना है, और यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर आपको दूसरा वाला पॉइंट पे एडजस्ट कर लेना है। तो कुछ इससे आपको यहाँ पर जितना भी पॉइंट है तो आप इसे एडजस्ट करके यहाँ पर आपको लगा सकते हैं। और ये वाला बीट मैं यहाँ पर सॉन्ग को प्ले करके किया हूँ, तो आप भी सॉन्ग को प्ले करके आप देख सकते हैं कहाँ पर बीट आ रहा, तो उस हिसाब से आपको बीट मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर आपको कुछ भी ट्रांजेक्शन या और कुछ भी नहीं देना है। तो यहाँ पर वीडियो आपका रेडी हो चुका है, तो चलिए मैं आपको प्ले करके अभी दिखा देता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जरूर जाना। तो ऐसे ही मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।